बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम उमर रिजवान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस फटाफट से हम आपको वेदर का सीन दिखाते हैं। आज का वेदर बहुत ही गर्म है यार, देख सकते हैं भाई, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये देख सकते हैं आप, मेरी स्क्रीन पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, कैमरा भी मुझे सही तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो गाइस आज का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग कोशिश करेंगे हम गर्मी ज़्यादातर व्लॉग शूट करें। तो फटाफट से मैं आ जाता हूँ यार अंदर। ये तोते बहुत मैमा कर रहे होते हैं, तो इनकी टैंट टैंट सुन के तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तो जस्ती यार मैं कोशिश करता हूँ इनको चुप कराने की। तो फाइनली अगर हम इनको थोड़ी सी आवाज़ निकाल के दिखाएं तो फ़ौरन ये अंदर चले जाते हैं। यार इन्होंने 2 से 3 दफ़ा अंडे दिए लेकिन अंडे ज़ाया कर दिए, बताएं यार मैं इनका क्या करूँ। उसके बाद इन्होंने अंडे भी नहीं दिए, बस अब हमने इनको शौक ही रखा हुआ। चलो फटाफट से इनको दाना डाल के हम इनका भी खाना पानी कर देते हैं। मैं आगे सीटा निकाल लें, फटाफट से मैं सीटा काट लिया। ये देखें मैंने इनको सीटा डाल दिया। तो गाइस फटाफट से अब हमें भी अपनी पेट पूजा के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, इनकी तो पेट पूजा होगी गाइस। और देख सकते हैं ये किस तरह उछल रहे हैं, मतलब सीटे को देख के क्या ही बात है, खुश हो गए हैं। तो गाइस फटाफट से हम भी आ जाते हैं अपनी पेट पूजा के लिए। फटाफट से मैं हॉटपॉट खोल लेता हूँ, मेरी रोटी पहले ही वालदा ने बना के रखी होती है, मैं इसको चिंगेट में डाल देता हूँ। और सालन पिक करने के लिए मैं कटोरी ले लेता हूँ। वह कटोरी रखने के बाद मैं जब चेक करता हूँ तो यार यहाँ पे इतनी ताज़ा खुशबू के साथ कढ़ी तैयार होती है। फटाफट से मैं 2 पकौड़े उठा के अपनी कटोरी में गिरा लेता हूँ और थोड़ी सी कढ़ी भी डाल लेता हूँ। तो गाइस पता नहीं मुझे क्यों ये सालन बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, मैं थोड़ी सी कढ़ी और निकाल लेता हूँ। हालाँकि हमें घर में सालन कम खाने पर बोला जाता है। वह फटाफट से मेरा नाश्ता तैयार है, अब फटाफट से हम नाश्ता करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें काम पे भी जाना है। तो यार मुझे पता नहीं क्यों इतनी प्यास लग रही थी, मैंने कहा चलो यार पहले फॉर्डर भी लेते हैं। मैं फटाफट से गिलास धो लेता हूँ। कल जैसे मैं गिलास धो रहा हूँ तो उसके बाद मैं पानी डालने लग देता हूँ। फिर पानी डालते मैं सोचता हूँ क्यों ना यार पानी पीते हुए भी व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो भाई जैसे मैं वैसे ही पानी पीते हुए व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कोई आम बात है, हर बंदा पानी पीता है, इसमें कड़ी खाने वाली बात है। लेकिन यार मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करता बिल्कुल, मेरा व्लॉग है। तो कहीं फटाफट से हम मार देते हैं बाहर, क्योंकि हमें बताया होता है कि यार आपने पानी भर के लाना है। तो वालदा के कहने पे हम फ़ौरन से बोतल पकड़ लेता हूँ, बाइक अपनी पकड़ लेता हूँ। तस्ती किक मारने के बाद हम आ रहे हैं साथ वाली गली में। हमारे घर से 2 गलियाँ छोड़ के अगली गली में फिल्टर है, तो मैं व्लॉग शूट करता हूँ आ रहा हूँ। तो यार गाइस रस्ते में इतने के खड्डे होते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे से तो कैमरा भी काबू नहीं किया जा रहा, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। गाइस एक मोड़ ऐसा आता है कि हम फ़ौरन मोबाइल अपना रोक देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेंजरस मोड़ होता है, हम गिर भी सकते थे। तो फाइनली हम दुकान पर पहुँच चुके हैं। जैसे मैं गोदाम ओपन कर रहा होता हूँ तो मेरी अपने लास्ट वाले गोदाम पे नज़र पड़ जाती है। फटाफट से मैं अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ी सी हाइट में ले आता हूँ। इस टाइम आपने जो देखा है वो दुमची थी, CD70 की दुमची पीछे लगती है मगरार पे। उसके बाद हमारे पास ब्रेक शू प्लेट आ जाती है, ये भी बिल्कुल स्पेशल क्वालिटी की आपको होंडा ब्रांड में मिल जाती है। तो गाइस इसके बाद अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो हमारे पास ब्रेक शू प्लेट रियर भी आ जाती है, वो जो हमने पहले पकड़ी थी वो फ्रंट प्लेट थी, ये पिछली हब में लगती है, देख सकते हैं ब्रेक शू प्लेट। बिल्कुल स्पेशल क्वालिटी का माल मेरे भाइयों को रीजनल प्राइस में MR ऑटो पार्ट्स की जानब से दिया जाता है। मूसा ऑटो हमारी दुकान का नाम है, मैकलोड रोड पे वाकई है। आप देख सकते हैं ये मैगनेट प्लेट बिल्कुल स्पेशल क्वालिटी की हमारे पास रीजनल प्राइस में मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो पूरा रैक हमने केबल से भरा हुआ जी, मोटरसाइकिल की केबल है CD70। इसमें हमारे पास रेस क्लच मीटर आपको अब जो केबल कहेंगे जिस क्वालिटी की कहेंगे आपको मिल जाती है। हमारे पास इसमें 6-7 क्वालिटियाँ इस टाइम इस गोदाम में ये क्वालिटी लगी हुई है। तो व्यूवर्स को दिखाता चलूँ तो यार हांडी का तो सबको पता होगा, हेडलाइट के पीछे जो लगी होती है हांडी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये हांडी क्या, मतलब क्या बोली जा रही है, हांडी क्या चीज़ होती है? तो यार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप खुद समझेंगे। इसको हम हांडी बोलते हैं जी, इसको हेडलाइट केस भी बोला जाता है। उसके बाद आया था फ़ौरन से अपना कूलर पकड़ के पानी भरने, लेकिन यार गाइस हमारी किस्मत बैड, देख सकते हैं पानी ही नहीं आ रहा यार। तो फ़ौरन से मैं अगले फ़िल्टर पे आता हूँ, गाइस इधर भी नहीं पानी आ रहा। तो जैसे ही मैं अगले फ़िल्टर पे आता हूँ तो यार मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग मुझे भगा देते हैं। तो यार जैसे मैं यहाँ पे फैक्ट्रीज़ का ब्लॉग शूट करता हूँ, जैसे आप मैं देखे होंगे शॉर्ट्स वीडियो मेरे इस पर बहुत ज़्यादा बनाएंगे इस तरह की मशीनिंग का। तो यार फटाफट से थक हार के, क्योंकि हमें पानी तो मिलता नहीं, हम फटाफट आ जाते हैं जूस पीने, मैंगो का जूस मैंने करवाया था। उसके बाद यार गाइस मैं आखिरी फ़िल्टर पे भी ट्राई मारने के लिए आता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फ़िल्टर उन्होंने कहा 1 घंटे बाद आएँ। तो यार गाइस मैं फ़ौरन थक हार के दुकान पे आके जैसे ही बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार व्यूअर्स को और आइटम्स का भी रिव्यू कराया जाए। तो फुटरस S125 का ये बहुत आम है, हर बंदे को पता होगा ये क्या चीज़ है। फुटरस बिल्कुल स्पेशल क्वालिटी का CD70 का हमारे पास अवेलेबल है, आपको MRA में मिल जाता है। तो उम्मीद आप सब भाइयों को मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में मेरे साथ।